Hello and welcome to my channel. Nowadays, peri peri masala has become famous and loved by all age groups. So thought of sharing this amazing dish called veggies in peri peri sauce with butter herb rice. Isme do elements honge. Pehle pre-cooked rice ko herbs aur butter ke saath toss karenge aur dusra veggies ko peri peri sauce mein toss karenge. So let's start the recipe. बटर हर्ब राइस को बनाने के लिए एक पैन में 2 टेबलस्पून बटर ऐड करें। जब बटर मेल्ट हो जाएगा तब ऐड करें 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड गार्लिक और उसे 2-3 मिनट के लिए सौते कर लें। जब 2-3 मिनट के बाद गार्लिक सौते हो जाएगा तब उसमें ऐड करें 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड फ्रेश पार्सले। अगर आपके पास फ्रेश पार्सले नहीं है तब आप ड्राइड पार्सले भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टीस्पून फाइनली चॉप्ड फ्रेश कोरिएंडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। चिली फ्लेक्स को आप आपके स्पाइसीनेस के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून क्रश्ड ब्लैक पेपर, सॉल्ट टू टेस्ट। गिव इट अ क्विक स्टर and add 1 bowl of pre-cooked rice. Mix gently and your butter herb rice is ready. हमारा next element है veggies in peri peri sauce. वेजीज आप आपके पसंद के यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कैरेट, जुकीनी, कॉर्न, फ्रेंच बीन्स, ब्रोकली, 3 बेल पेपर्स एंड पनीर। आप मशरूम या बेबी कॉर्न्स भी यूज़ कर सकते हैं। कैरेट्स, फ्रेंच बीन्स, स्वीट कॉर्न और ब्रोकली को हम पार बॉयल करेंगे। जुकीनी और बेल पेपर्स को डायरेक्ट सौते करेंगे क्योंकि इनका कुकिंग टाइम फास्ट होता है। अगर आप बेबी कॉर्न यूज़ कर रहे हैं तो उसे भी पार बॉईल करें। सॉस के लिए एक सॉस पैन में ऐड करें 1 टेबलस्पून बटर। जैसे ही बटर मेल्ट हो जाए अब ऐड करें 1 टीस्पून गार्लिक और 2-3 मिनट के लिए उसे सौते करें। गार्लिक सौते हो जाने के बाद अब ऐड करें जुकीनी और तीनों कलर्स के बेल पेपर्स। अगर आपके पास रेड एंड येलो बेल पेपर्स नहीं हैं तो सिर्फ ग्रीन बेल पेपर आप यूज़ कर सकते हैं और स्टर करेंगे 2-3 मिनट्स के लिए हाई फ्लेम पे। हमें बेल पेपर्स और जुकीनी को हाई फ्लेम पे स्टर करना है सो वेजीज में एक बाइट रहे। जैसे ही वेजी सौते हो जाए उसमें ऐड करें 1 टीस्पून ओरेगानो, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, चॉप्ड पार्सले, चॉप्ड कोरिएंडर, सॉल्ट, पेपर एंड गिव इट अ क्विक स्टर। ऐड करें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर। टू मेक इट मोर हेल्दी यू कैन यूज व्हीट फ्लावर और ओट्स। ओट्स को 2-3 मिनट के लिए ड्राई रोस्ट करें एंड देन ग्राइंड इट टू अ फाइन पाउडर एंड यू कैन यूज दैट पाउडर इंस्टेड ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर। अब फ्लावर को अच्छे से रोस्ट करेंगे विद वेजीज एंड बटर टिल वी गेट दैट अरोमा ऑफ द कुक्ड फ्लावर। Once the flour releases the aroma, add 1 cup of milk and stir continuously till the sauce gets little thick.
आफ्टर 2 to 3 मिनट्स सॉस में एक बॉईल आ गया है और सॉस थोड़ा थिक भी हो गया है। अब इस स्टेज पे हम ऐड करेंगे 2 to 3 टेबलस्पून होममेड पेरी पेरी मसाला। आई हैव मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड लेट इट बॉईल फॉर अराउंड 5 to 7 मिनट्स वाइल कंटिन्यूसली स्टरिंग द सॉस, अदरवाइज इट विल गेट स्टिक टू द पैन। As the sauce is boiling, I'll add 1 teaspoon of red chili powder for the color. Sauce अच्छे से cook हो गया है। अब add करें parboiled veggies and paneer. Let the veggies cook in sauce for about 5 to 7 minutes. Veggies in peri peri sauce is ready to serve. Let's do the plating for veggies in peri peri sauce with butter herb rice. अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।